हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं ढोलरा स्मार्ट सिटी के बारे में, यानी कि ढोलरा स्मार्ट सिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ ढोलरा स्मार्ट सिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है अपने सिटीजन्स को। देखिए, सबसे बड़ी बात का है लोकेशन एडवांटेज। ढोलरा में जो है ढोलरा सबसे एडवांस सिटी है भारत का, क्योंकि ये जो है आपकी सेंट्रल स्पाइन को भी क्लोज है और अहमदाबाद से भी क्लोज है, और ये 250 मीटर है भवनगर से। साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि ढोलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यानी कि एक यहाँ से आपको इंटरनेशनल की फ़्लाइट मिल सकती है, यानी कि और वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की फ़्लाइट आपको यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। साथ साथ ये 4 मिनट है ABC बिल्डिंग से। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग है जो कि पूरे ढोलरा स्मार्ट सिटी के सिक्योरिटी सेंटर के तौर पर वर्क करता है, जिससे आप अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं। साथ साथ यहाँ पे एडजेसेंट प्रोजेक्ट साइट भी है, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी जोन या और सिटी सेंटर जोन और इंडस्ट्रियल जोन, यानी पब्लिक जहाँ पे रह सकती है वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी जोन, सिटी सेंटर जोन जहाँ पे आपको मार्केट एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल जोन अलग रहेगा, जिससे कि जो आपको जो है रस और जो भीड़ भाड़ का जो आपको सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। सिटी सेंटर जोन यानी कि जहाँ पे आप मार्केट प्लेस बिल्कुल अलग रहेगा, वो पब्लिक एरिया में नहीं आएगा। और मेट्रो रेलवे हर 2 मिनट में यहाँ पे अवेलेबल होती है अहमदाबाद टू ढोलरा। साथ साथ जो है इसका जो प्रोजेक्ट साइट है वो TP रोड्स के साथ कनेक्टेड ढोलरा के। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे जो है रिवर वगैरह सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ साथ 6 लेन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपना निवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है पीसफुल इन्वायरमेंट भी होगा विद सिक्योरिटी के साथ। तो इसलिए यहाँ के फ्लैट्स ही बहुत जल्दी जल्दी सेल आउट हो रहा है और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत का नंबर वन स्मार्ट सिटी जो है होगा वो है ढोलरा स्मार्ट सिटी, जो कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इंप्लीमेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं ढोलरा स्मार्ट सिटी गुजरात के बारे में, कि ढोलरा स्मार्ट सिटी गुजरात के बारे में आज हम बात करेंगे कि पहले कैसे बंजर भूमि में जो है स्मार्ट सिटी का कैसे प्रोजेक्ट लगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए, ढोलरा स्मार्ट सिटी जो है भारत देश का सबसे नंबर वन स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला सिटी भी माना जाएगा और कहलाएगा, क्योंकि इसमें ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स और नियम से बहुत ही ज़्यादा सख्त है, यानी कि यहाँ पे ई चालान की सुविधा भी अवेलेबल है। साथ साथ यहाँ पे ABC बिल्डिंग भी अवेलेबल है, जो आपके सिक्योरिटी के सर्विसेज को रखता है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो सुरक्षा प्रणाली है वो यहाँ पे बेस्ट है। और यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड CUG पाइप कनेक्शन लाइन भी सप्लाई भी दे रखा है, यानी कि आपको सिलेंडर की जरूरत भी नहीं, जितना आप यूटिलाइज करेंगे गैस को और इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही आपको बिल देना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पे सोलर पैनल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि धूप से ऊर्जा को इकट्ठा करके जो है आपको सप्लाई आप तक सप्लाई करना, यानी कि इसमें कोल और पॉल्यूशन की भी से भी बचेंगे और इन्वायरमेंटल भी पीसफुल रहेगा। साथ साथ यहाँ पे जो है BS4 की गाड़ियाँ भी यहाँ पे चलेंगी, यानी कि भारत स्टेट वर्जन 4 की गाड़ियाँ यहाँ पे चलेंगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके ढोलरा ये जो स्मार्ट सिटी गुजरात का है, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये उनका जो है ड्रीम है रह चुका है कि उनका जो है भारत देश में मुंबई से बेटर जो है स्मार्ट सिटी उनको बनवाना था, और उन्होंने वो इसको अप्रूवल भी दे दिया है। और यहाँ के फ्लैट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी सेल भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दे रखी है, यानी कि रोड की जगह जहाँ पे लोग रहते हैं वो स्पेस अलग, इंडस्ट्रियल की स्पेस अलग, मार्केट प्लेस अलग, तो भीड़ भाड़ और पॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, और साथ साथ 6 लेन और 9 लेन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि जो 6 लेन में भी लोग जा सकते हैं तो एक्सीडेंटल के भी खतरा कम होगा। तो ये सारी सुविधाओं से
उपलब्ध ये स्मार्ट सिटी हमारे भारत का नाम पूरा रोशन करेगा पूरे पूरे विश्व में यानी पूरे संसार में। कहने के लिए तो आगरा में जो ताजमहल है वो 7 वंडर में से एक है, लेकिन जो इसके अलावा आगरा के ताजमहल भारत में आगरा के ताजमहल के अलावा भी भारत ढोलरा सिटी के नाम से भी, एडवांस सिटी के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से भी पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। प्लीज सब्सक्राइब।